महिला सशक्तिकरण और समाज में एकजुटता बनाने पर एक दिवसीय अखिल भारतीय कान निकुब्ज वैश्य हलवाई महासंघ के द्वारा महिला सशक्तिकरण, दहेज, नारी उत्पीड़न, शोषण, सामाजिक बुराइयों के प्रति जन जागरण का बीड़ा उठाने को लेकर एक दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जिसकी अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संचालक राजू प्रसाद गुप्ता ने की है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और टाउन विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए थे। एक दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया था। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है और समाज में एकजुटता को बरकरार रखना है। क्या कुछ कह रहे हैं वहां शामिल लोग, वो जरा सुने आप। आज एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया महिला सशक्तिकरण, और आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी तादाद में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। इन्हीं की रूपरेखा तय कर दी जा रही है कि समाज में इनकी किस तरह से रुचि बढ़े, अभी आगे आए, और हमारी सरकार जो अभी महिला के ऊपर हुआ ध्यान दें। हम लोग अति पिछड़ा में हम लोग को सरकार के गलत है, निवेदन है सरकार से। और फिलहाल जो उन लोग को उत्साह देखने को मिला हमें यहाँ पर, हमें शक्ति और मिली है कि आगे जल्द से जल्द बड़ा स्तरीय प्रोग्राम किया जाएगा उन लोग को। महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से समाज की महिलाएं हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाएं? देखिए महिलाएं को आगे, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए महिलाओं को पूरे समाज के बीच में, उस तरह से मिल नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन उन्हें करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है किसी भी भूमिका में सशक्त करें। अपना परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजीव प्रसाद गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय राजपूत महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। भगवान बुद्ध एवं मोक्ष की धरती गया में अखिल भारतीय कन्या कुछ बैस हलवाई समाज का एक दिवसीय सम्मेलन में सभी यहाँ के आए हुए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सभी पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद रहे हैं। ये है कि सब लोग को महिलाओं को सशक्ति बनाना है, सशक्तिकरण बनाना है और उन लोग को एकजुटता बनाना है। जब तक महिलाओं को सब लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक महिला का सशक्तिकरण नहीं बनेगा और जागरूक नहीं होगा। महिला हर कदम में अब आगे हैं। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं? हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, कलकत्ता, दिल्ली, नवादा, बिहार से रफीगंज और अन्य जिले से आए हुए हैं, और गया के सभी खासकर गया के जिले से आए हुए हैं सभी गणमान्य लोग, और अभिनंदन में उन लोग को भी सागर में अभिनंदन करते हैं और आप लोग को भी नैना कुमारी जिला परिषद। तो आपने सुना इन लोगों ने क्या कहा है। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।